डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2482। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में। तो कैसे करोगे, 2482 को आपको डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, 16 से डिवाइड करते जाओ, यहाँ लिखोगे क्वेश्चेंट और इधर लिखोगे रिमाइंडर। ठीक है, तो 2482 को आपको डिवाइड करना है 16 से। तो 16 वन ज़ा 16, रिमाइंडर इज 8, ऊपर से उतारा 8, 16 फाइव ज़ा 88, ऊपर से उतारा 2, अगेन 5 से डिवाइड होगा 82। तो लास्ट में आपका रिमाइंडर रह गया 2। ठीक है, तो रिमाइंडर आप यहाँ लिखोगे और क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से हमें इसे 16 से डिवाइड करना है, तो 155 को 16 से डिवाइड कर लो, 16 नाइन ज़ा 144, तो रिमाइंडर आ गया आपका 11। ठीक है, आप डिवाइड कर लोगे, अब रिमाइंडर आप यहाँ लिखोगे क्वेश्चन। ठीक है, अब 9 आ गया, अब 9 इज़ लेस देन 16, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहीं पर आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है, स्टॉप कर दिया, अब इस डायरेक्शन में आप इसे कॉपी कर लो, तो 9 11 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेक्सा डेसिमल नंबर। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जब 9 से बड़ा नंबर हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे, अगर 10 है तो ए लिखेंगे हेक्सा डेसिमल में। ठीक है, 11 है तो बी, 12 है तो सी, 13 है तो डी, 14 ई और 15 एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, 11 मीन्स बी, तो 9B2। तो ये हो गया आपका हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। थैंक यू।